नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के दरभंगा जिले में मैं राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और रोजगार और अपराध को लेकर एक साइकिल जुलूस निकाला गया, जो कि 5 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। देखिए, बिहार के दरभंगा जिले के हायाघाट में राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि, कालाबाजारी, बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों के साथ धोखा और छल, रोजगार सृजन कराने की बुनियादी पर सरकार द्वारा निकम्मा और विफल जैसी दर्जनों मुद्दों को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई। हायाघाट पुराना ते हुए प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी साइकिल यात्रा जुलूस संपन्न किया गया। जुलूस की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी ने की। इसका संचालन जिला महासचिव सह मीडिया प्रभारी तहसीन आलम ने की। इस मौके पर नीरज यादव, हरे राम, लाल बेचन यादव, हरे राम पासवान, प्रमोद यादव और अन्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। मेरे पार्टी का स्थापना दिवस है, 24वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर हम लोगों ने कोई बड़ा आयोजन नहीं किया, कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि बिहार की जनताओं, बिहार के मतदाताओं से हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को लगाव हमेशा रहा है और इनके साथ जो दिक्कतें हो रही है उन समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने साइकिल जुलूस निकालने का काम किया है और इस सरकार के खिलाफ जो गलत नीति है उसके विरुद्ध लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज हम लोगों ने साइकिल रैली निकाला है। देश में जो प्रवासी मजदूर आए, बिहार सरकार ने कहा कि मैं उनको रोजगार दूंगा, वो अपने अपने राज्य में रहकर ही वो अपने रोजगार को सृजन कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज प्रतिदिन बसों में भर के हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेट लोग जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर फिर अपने जानों को जोखिम में करके, ये बहुत ही निंदनीय है बिहार सरकार के लिए। दूसरी बात ये कि आज जो बिहार सरकार में और देश में पूरे व्यापी में जो पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई बढ़ी है, ये हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। हर सामान पे टैक्सेशन बढ़ गया है, टैक्स की मार लोग जनता झेल रही है। इस कोरोना जैसे महामारी में जहां लोग त्राहिमाम है रोटी रोजी भुखमरी में, उसी में सरकार टैक्स की वृद्धि कर रही है, डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर रही है। इससे ऐसी सरकार से यहाँ बिहार में खास करके लोग एकदम उब चुके हैं। ये डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और इन सभी समस्याओं मुद्दों के लिए हम लोग आज रोड पर साइकिल जुलूस निकालने का काम किया। बहुत ही निंदनीय घटना घटी है जिसमें अपराधी पूर्व फौजी का नाम आ रहा है, जिसमें ये भी अभी जो उसका रिपोर्ट आई है कि बिजली के तार से सटने के कारण उसका जो है डेड हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कब तक दलित पर शोषण किया जाएगा, दलित समाज को और गरीब गुरुओं के ऊपर ये सरकार जो है शोषण कर रही है और उसी दलित के कुछ नेता जो सत्ताधीन हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, वो आज वो नहीं चाहते कि उस मुजरिम के साथ जो है मुजरिम को जिसके साथ ये घटना हुई उनको इंसाफ मिल सके। साथ साथ उस बच्ची की घटना भी हुई रात के 8 बजे, जब क्रियाक्रम के बाद रात के 8 बजे घर में घुस के ग्रामीणों को मारा पीटा गया। हम लोग वहाँ गए थे, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राम नरेश यादव जी वहाँ गए हुए थे, अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष गुलाम हुसैन चीना जी वहाँ गए हुए थे, हम लोग सब साथ में गए। तो वहाँ ये पता चला कि एक तो उसकी बच्ची मरी, बच्ची मरने के बावजूद उन पूरे ग्रामीणों को मारा भी गया और जेल में इसका जो है केस में नाम भी दे दिया गया लूट और पाट का। अब ये बताइए, एक तो उसकी बच्ची भी गई, उसके ऊपर केस भी हो रहा है और उसकी औरत और मर्द मार भी खा रहा है। यही है बिहार में नीतीश सरकार।